सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से करण जौहर, सलमान खान और भट्ट परिवार ट्रोलर के लगातार निशाने पर बने हुए हैं और सभी इन सेलेब्स को जमकर फटकार रहे हैं। वहीं कंगना रनौत भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और महेश भट्ट के साथ साथ आलिया भट्ट की भी कंगना रनौत पोल खोलती नजर आ रही है। हाल ही में एक लीडिंग न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू के कारण कंगना अभी लाइमलाइट में आ गई है, जहां खुले तौर पर कंगना ने महेश भट्ट और आलिया भट्ट की कई बातों को सामने लाया है। और अब आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है, सच सच ही होता है भले ही कोई इस पर विश्वास ना करे, झूठ एक झूठ होता है भले ही हर कोई इस पर विश्वास करे। आलिया ने ये पोस्ट कंगना के इंटरव्यू के बाद शेयर किया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि आलिया ने कंगना को ये जवाब देने के लिए इस पोस्ट को शेयर किया है। वेल, आलिया भट्ट की अगली फिल्म सड़क 2 है, जिसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है। So I think she's like that and she's a very cute character. But completely misunderstood. सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में एक बार फिर भाईजान का मस्त मौला अंदाज देखने को मिलेगा, जिसे लेकर फैंस में उत्सुकता बढ़ते दिनों के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। कुछ दिनों पहले सलमान खान ने सेट पर किसी को भी सेल फोन लाने से सख्त मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन फिल्म के सेट से पिक्चर्स और शॉर्ट क्लिप रिवील होते रहते हैं, जिस कारण सलमान खान का पारा अब चढ़ गया है और अब इसे रोकने के लिए भाईजान ने कड़े एक्शन लेने के लिए सोच लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो सेट की दीवारों की लंबाई को बढ़ाया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों जयपुर से दबंग 3 के सेट से कई तस्वीरें लीक हुई है। इन तस्वीरों में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे। एक तरफ जहां फैंस गाने की झलक देखकर एक्साइटेड दिखे, वहीं सलमान खान इससे खुश नहीं है और वो बहुत नाराज हो चुके हैं। इसलिए सलमान खान ने प्रोडक्शन, क्रिएटिव और मार्केटिंग टीम के साथ एक मीटिंग बुलाकर लीक तस्वीरों पर नाराजगी जताई है। सलमान ने अपनी टीम को कड़े शब्दों में कहा है कि दोबारा से सेट से कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए। सलमान ने सेट पर सिक्योरिटी स्टाफ्स को भी बढ़ाने को कहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सलमान ने दबंग 3 के सेट पर नो फोन पॉलिसी जारी की है। शूटिंग सेट पर फोन को ना लाने की पॉलिसी भारत के सेट पर भी लागू हुई थी और अब दबंग 3 की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन सब नियमों को लागू किया जा रहा है। वही इस साल 20 दिसंबर को दबंग 3 रिलीज होने वाली है।